तो ऐसा है ना, इसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शन बहुत सारे हैं, रिदम के साथ में काम करता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने म्यूजिक प्ले किया तो लाइट्स वैसे ही ब्लिंक हो रही थी। 61 कीज है इसमें, यहाँ पे देखो क्लैप पे भी, यहाँ पे देखो लाइट्स अपने आप ब्लिंक हो रही हैं। और कस्टमाइजेशन ऑप्शन इसमें बहुत सारे हमको मिल जाएंगे। मैकेनिकल कीबोर्ड लेने का सोच रहे हो, ये वीडियो देख लो, कॉम्पैक्ट है, जोरदार। VR टेक फिल्म्स, अमेजिंग टेक वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। आजकल RGB का ना बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। ये जो कीबोर्ड है 6 प्लस की ब्रांडिंग है, GK61 है इसका नाम, और 61 कीज के साथ में आता है। काफी ज्यादा हैवी वेट है। पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूं। और आजकल क्या होता है ना कि यार देखो, लोग वर्क स्टेशन पे RGB लाइट्स मतलब लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे एक यूजर मैनुअल मिली है हमको। इसमें एक ब्लूटूथ मोड वाला भी आता है, मतलब ब्लूटूथ वर्जन भी आता है। ये मेरे पास वायर्ड वाला है और ये टाइप सी की केबल के साथ में काम करता है। अगर इसकी वेट की बात करूं तो यार हैवी है, बढ़िया अच्छा खासा है, तो मतलब टेबल से फिसलने वाला नहीं, गेमिंग वेमिंग में बढ़िया रहेगा। और इसकी वेट की बात करूं तो 0.5 किलो इसका वेट है। तो आगे पीछे कुछ ऐसा कुछ सच लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक टाइप सी का पोर्ट है जहाँ पे हमारी डेटा केबल लग जाएगी। डेटा केबल भी इसके साथ में मिली हुई है, देख लेते हैं कौन सी केबल है। तो बॉक्स में हमको यहाँ पे एक डेटा केबल मिलती है और यहाँ पे 1.5 मीटर की डेटा केबल मिलती है, ब्रेडेड केबल है। और यहाँ पे देखो, अगर केबल मैनेजमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक स्ट्रैप भी दे रखा है, काफी अच्छा है, केबल मैनेजमेंट में काम आएगा। कीबोर्ड का साइज मैं भी आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा दूसरे कीबोर्ड के साथ में कैसा है। तो USB टाइप A टू टाइप सी केबल है। केबल की क्वालिटी मुझे यहाँ पे ज्यादा बढ़िया लगी, जैसे मैंने पिछले माइक्रोफोन्स वगैरह आपने इंस्टॉल कर रखे हैं डेस्क पे, उन सबसे बेहतर लगी मुझे इस केबल की क्वालिटी। तो केबल क्वालिटी तो यार बढ़िया, कीबोर्ड की क्वालिटी भी अभी बढ़िया लग रही है क्योंकि हैवी वेट है, काफी बढ़िया लग रहा है। बाकी भी उसका रैपर हटाएंगे तो देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक छोटा सा बॉक्स मिला है, इसमें की पुलर और स्विच पुलर हमको मिला हुआ है, क्योंकि इसके जो बटन्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो आपको अलग से लेने पड़ेंगे, इसके साथ में तो नहीं मिलते। तो यहाँ पे की पुलर और स्विच पुलर हमको मिलता है। की पुलर जो है वो प्लास्टिक का है, स्विच पुलर जो है वो मेटल का है। इसको थोड़ा सा रैप को हटा लेते हैं यहाँ पे एक बार, कीबोर्ड की फर्स्ट लुक में आपको दिखा देता हूँ। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस क्या हैं वो भी आपको मैं दिखा दूंगा इसकी। बेसिकली आप RGB लाइट्स को कस्टमाइज कर सकते हो। वैसे इसका एक सॉफ्टवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके मैंने देखा यार मज़ा नहीं आया। तो वैसे इसमें शॉर्टकट्स बहुत हैं। यहाँ पे देखो, मैकेनिकल कीबोर्ड वाली फील आएगी। इसकी साउंड भी मैं आपको एक बार में सुना दूंगा कि साउंड इसकी कैसी है। तो कीबोर्ड का साइज जो है वो बहुत मैटर करता है, साइज बहुत छोटा है, कितना छोटा है वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा जब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा। तो सिर्फ यहाँ पे एक टाइप सी का पोर्ट है जिसकी मदद से ये कनेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह की साउंड इसमें मिल जाती है, तो बहुत बढ़िया साउंड यहाँ पे मिलती है, मैकेनिकल वाली साउंड जो हमें चाहिए होती है ना मैकेनिकल कीबोर्ड। वैसे इस तरह के मैकेनिकल कीबोर्ड काफी ज्यादा महंगे आते हैं, अगर हम बाजार में देखें, मतलब मार्केट पे ऑनलाइन वगैरह देखें, 6-7 हज़ार रुपये के कीबोर्ड्स भी आते हैं। इसकी कीमत भी कुछ 4-4.5 हज़ार रुपये के आसपास है। फिलहाल पावर बैंक से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, स्टूडियो में लाइट्स बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी सी मैं लाइट डिम करके भी आपको दिखा दूंगा एक बार कि इसकी RGB लाइट्स का इफेक्ट एक्चुअली में कैसा है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं पावर बैंक से कनेक्ट किया और स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ लाइट्स ऐसे आते हैं। तो लाइट्स को ना आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, और लाइट्स की ब्राइटनेस को भी हम यहाँ पे जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लुक यहाँ पे इसकी काफ़ी प्यारी लग रही है। कैमरे के थ्रू में थोड़ा सा इसका लुक जो है इतना समझ में नहीं आता, लेकिन रियल टाइम में जो इसका व्यू मिलता है ना वो बहुत बढ़िया मिलता है। यहाँ पे बैकस्पेस को अगर हम दबाएंगे फंक्शन के साथ में तो इसकी लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाती हैं, फिर से दबाएंगे तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स हैं, फंक्शन की को दबाना है और ये ऊपर वाले जो पी बटन है, पी बटन को दबाएंगे यहाँ पे जो है ऐसे काम नहीं करेगा ये, पहले मैंने ट्राई किया था हो नहीं रहा था, तो मैंने इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखा तो तब देखा मैंने यहाँ पी दबाते हैं तो ब्राइटनेस कम हो जाती है, बगल वाला बटन दबाते हैं तो ब्राइटनेस जो है वो फुल हो जाती है। ब्राइटनेस कितनी है वो जो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं भी अंधेरे में दिखा दूंगा कि ब्राइटनेस इसे कितनी है। तो पी बटन से जो है इसकी ब्राइटनेस चेंज हो जाती है, और बिल्कुल अगर इसको लाइट्स को हटाना हो तो बैकस्पेस वाला बटन फंक्शन की को दबा के, तो जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो फंक्शन की को दबा के ही होंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ लाइट्स को आप चेंज कर सकते हो, देखो ये ग्रीन हो गई थोड़ी सी, ये और अलग हो गई, ये और अलग हो गई, तो यहाँ पर पूरा रेनबो इफेक्ट भी ले सकते हो। इसमें 5 मोड्स पहले से दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये 5 मोड्स को आप चेंज कर सकते हो। बाकी रिदम मोड में जाने के लिए जो है ये फंक्शन की दबा के फिर यहाँ पर स्लैश वाला बटन दबाना है हमको 5 बार, 5 बार दबाने के बाद वो रिदम मोड में चले जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये रिदम मोड में आ गया। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे सैंपल देखो म्यूजिक के साथ में, तो जैसे जैसे म्यूजिक प्ले होगा, म्यूजिक की भी जरूरत नहीं, अगर आप बात कर रहे हो, क्लैप कर रहे हो, तो ये रिदम वैसे ही चलेगा लाइट्स का। तो यहाँ पे RGB इफेक्ट्स काफी बढ़िया अच्छे लगते हैं। अंधेरे में थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट इसका दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ, थोड़ा सा नो कॉपीराइट NCS वाला म्यूजिक प्ले करता हूँ। तो एज सच कीबोर्ड में मुझे माइक्रोफोन नहीं दिखा कहाँ है, तो इनबिल्ट होगा माइक्रोफोन या कीज के बीच में कहीं होगा, तो ऐसे तो नहीं दिखा मुझे माइक्रोफोन।
लेकिन जब हम म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो काफी अच्छे से यहाँ पे रिदम इफेक्ट हमको देखने को मिल जा रहा है। मेरे को इसका जो सबसे अच्छा इफेक्ट लगा ना वो यही वाला इफेक्ट लगा कि म्यूजिक के साथ में जो लाइट्स ब्लिंक होती हैं। अभी आपको शायद इतना मजा नहीं आया, वीडियो में इतनी क्लैरिटी नहीं दिखी अंधेरे में, क्योंकि मेरी ऑलरेडी RGB लाइट्स और भी जल रही हैं यहाँ पे। मैं रोशनी में ही दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा एक और इफेक्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, आप इसकी लाइट्स देख लो एक बार कैसे यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। तो एक बार इसके मोड्स फिर से दिखा देता हूँ थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा सा और मैंने लाइट को एडजस्ट किया ताकि इसका RGB इफेक्ट जो है आप अच्छे से देख पाएं। यहाँ पे RGB इफेक्ट कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एक बार मैं अपने लैपटॉप के साथ में और कीबोर्ड के साथ में इसका कंपैरिजन दिखा देता हूँ, साइज का आपको अंदाजा हो जाएगा। ओवरऑल कीबोर्ड की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब प्रीमियम क्वालिटी वाली फील मिली है। यहाँ पे टेबल पे मैं दिखाता हूँ आपको एक नॉर्मल साइज जो कीबोर्ड होता है ना, जो हम आमतौर पे कीबोर्ड यूज़ करते हैं, वैसे मेरा ये वायरलेस कीबोर्ड है डेल वाला, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। ये मेरा प्राइमरी कीबोर्ड है, मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि इसमें न्यूमेरिक पैड दे रखा है, और जो हमारा ये नया वाला RGB वाला मैकेनिकल कीबोर्ड है उसमें न्यूमेरिक पैड नहीं दे रखा है। साइज़ कंपेरिजन यहाँ पे देखो, अब साइज़ का थोड़ा सा अंदाज़ा और देता हूँ। एक 15.5 इंच का लैपटॉप जो होता है ना उससे भी छोटा है इसका कीबोर्ड, मतलब जितना कीबोर्ड लैपटॉप के अंदर होता है ना प्री इंस्टॉल्ड उससे थोड़ा सा छोटा है ये कीबोर्ड, लेकिन वेट अच्छा है और कीज ना छोटी नहीं लगती हैं, जो इसकी कीज का साइज है वो काफ़ी बड़ा लगता है इतना छोटा होने के बावजूद। ठीक है, यहाँ पे एक और कंपैरिजन में आपको बता देता हूँ, समझ पाओगे आप इसे और आसानी से। यहाँ पे देखो मैंने दो मोबाइल फ़ोन रखे हैं, 6-6.5 इंच के फ़ोन्स होते हैं टोटल ये, मतलब 6.5 इंच पकड़ लो मोटा मोटा। और यहाँ पे देखो मैंने ये नॉर्मल दो फ़ोन्स, आजकल के जितने भी फ़ोन्स हैं ना आपके पास में, मतलब आते हैं जैसे भी फ़ोन्स आपके 8-10 हज़ार रुपये वाले, उस तरह के दो फ़ोन्स रखने के बाद भी दो फ़ोन से भी ये छोटा पड़ता है। और हाथ में अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो देखो यार कुछ इतना साइज़ है इस कीबोर्ड का, छोटा होने के बावजूद कीज़ काफ़ी बड़ी दे रखी हैं और कीज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं, इसके वो जो टूल्स हैं उसकी मदद से हम कीज़ चेंज करते हैं, वो भी एक बार आप देख लो कैसे। तो जब मैंने अनबॉक्स किया था ना, इसकी वीडियो बनाई थी ना, मतलब उस समय ये वॉइस ओवर नहीं किया था, वॉइस ओवर मैंने बाद में किया, उस समय जब मैंने फर्स्ट टाइम इसकी की पुल करी ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था, मतलब लगा था यार की पुल तो हो नहीं रही, लेकिन बाद में मैं समझ गया इसकी की पुल बड़े आसानी से हो जाती है और मैंने करी, बस इसको प्रेस करना है वो उसमें जो है फिक्स हो जाता है, और उसके बाद ना इसे धीरे से ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो यहाँ पे कोई सी भी कीज़ आप रिमूव कर सकते हो, कीज़ आपको अलग से नहीं होगी, और स्विच भी रिमूव कर सकते हो इस वाले टूल से, पर मैंने स्विच को रिमूव नहीं किया, पर स्विच को आप चाहो तो इस तरह से रिमूव कर सकते हो। कीज़ लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस सीधा लगाया और प्रेस कर दिया, की आराम से लग जाती है। तो कीज़ को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, अलग से खरीदनी पड़ेगी कीज़। परफॉर्मेंस की बात मैंने बता दी है, की को एक बार फिर से रिमूव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इसे मैंने पुश किया और यहाँ पे अटक जाती है, और उसके बाद में मुझे धीरे से खींचना है तो ये जो है की बाहर निकल जाती है यहाँ पे, और जब इसको इंसर्ट करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यार ये चीज़ें लोग पूछते हैं बाद में, बोलते हैं भाई की तो नहीं टूटेगी या की पे स्क्रैच तो नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, प्लास्टिक वाला पुलर दे रखा है, इसकी पुलर की मदद से की नहीं लगेगी, की को आपको मैन्युअली प्रेस करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, तो की यहाँ पे बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। कीबोर्ड की जो क्वालिटी है ना, मतलब जो साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल मैकेनिकल कीबोर्ड जैसी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसे पुराने वो टाइपराइटर चलते थे ना उस तरह की साउंड यहाँ पे सुनाई देती है, काफ़ी मस्त लगती है, रिदम इफेक्ट्स अच्छे हैं। सॉफ्टवेयर इसका है लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ खास नहीं है, पर आप सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो, यूज़र मैनुअल पर डिटेल दे रखी है कि कौन सी वेबसाइट से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी GK61 आप लिखोगे तो ये 61 कीज़ वाला जो ही हमारा कीबोर्ड है इसका सॉफ्टवेयर, इसकी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसको लेना चाहते हो तो 4-4.5 हज़ार रुपये की प्राइस है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो चेकआउट कर लेना, आपको ये मिल जाएगा। अगले वीडियो में कुछ और कमाल के गैजेट्स लेके आऊँगा। BR Tech Films पे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।